मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीपैड पहुंचकर सीधे नर्मदा तट पर पहुंचकर किया मां नर्मदा का पूजन। पांडाल पहुंचकर कन्या पूजन के साथ किया सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत निसरपुर ब्लॉक के मेघनाथ घाट पहुंचे मुख्यमंत्री। हेलीपैड पर पहुंचकर क्षेत्र के सरपंच और जनप्रतिनिधियों से की चर्चा, जिसके बाद सीधे मां नर्मदा के तट पहुंचकर मां नर्मदा की विधि विधान से पूजन अर्चन कर मां नर्मदा को चुनरी अर्पण की। जिसके बाद सभा स्थल पहुंचे, जहां कन्या पूजन कर कुक्षी उद्वान सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया तथा उपस्थित किसानों तथा आमजन को संबोधित किया, जिससे 2717 करोड़ की इस योजना का भूमि पूजन किया गया, जिससे 75 ग्रामों को पीने का पानी की सौगात मिलेगी, साथ ही 75,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में पूर्व की दिग्विजय सिंह सरकार और 15 महीने की कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेकर जमकर बरसे वहीं मेघनाथ घाट पर विशाल घाट बनाने तथा यहां से क्रूज चलाने की बात कही। वहीं जाते जाते प्राचीन तीर्थ कोटेश्वर के भी पुनर्वास पर सहमति जताई। भारतीय न्यूज के लिए कुक्षी से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। बेटियों की शादी हो गई, बाद में ढेला नहीं दिया, संबल योजना बंद कर दी। संबल योजना मौत का एक्सीडेंट में 4 लाख सामान्य की बदौलत वो तक बंद कर दी थी कांग्रेस की सरकार ने। मेरे बेटा बेटियों की लैपटॉप छीन लिए। 20 तारीख के दिन मेरे बहनों बच्चों को जिनके 75% बाद में आए हैं लैपटॉप में देने वाला हूँ। किसान भाइयों, कर्ज माफी के नाम पर छला। अभी आपको पता है मैंने कर्ज का ब्याज जो आपके सिर पे चढ़ गया था उस ब्याज को अकेले देवा जिले में अकेले धार जिले में 30,394 किसानों के 47,62,00,000 रुपया मैंने भर दिए ताकि वो ब्याज मुक्त हो सके। मेरे किसान भाइयों, आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया मिलती है। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल में कहा शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, चौथी बार बन गया है तो कम से कम 4,000 क्यों भी दे, तो 6,000 में 4,000 हमने जोड़ दिए तो 10,000 रुपया किसान को देना शुरू किया। और अब किसान भाइयों ये तय कर लिया है कि 6,000 पीएम साहब देंगे, 6,000 रुपया मामा भी देगा, 12,000 रुपया होगा किसान के खाते में। अगर मैं योजना बनाऊंगा किसानों के कल्याण की तो पूरी लाभ यहाँ हो जाएगी, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों की सरकार आपके लिए काम कर रही है, खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है। निःशुल्क राशन, आयुष्मान भारत योजना, उसमें इलाज की व्यवस्था, हर जिले में अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,23,095 मकान गांव में बने हैं, 17,934 मकान शहरों में बने हैं। मेरे बहन और भाई, आवास प्लस योजना के अंतर्गत और मकान आएंगे। सीएम राज स्कूल हम खोल रहे हैं, सीएम राज स्कूल, यहाँ हमारे किसान और सामान्य परिवार गरीब आदिवासी बेटा बेटी भी उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। स्मार्ट क्लास, सुंदर रूम, लैब, लाइब्रेरी और सुनो बसें लगाऊंगा, बसें वहीं के बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे, कुक्षी का स्कूल मतलब केवल कुक्षी के लिए पढ़ेंगे, आस पास के 25 किलोमीटर गांव के बच्चे उनको लेने बस जाएगी, बसें स्कूल आएंगे, दिन भर पढ़ाई करेंगे, शाम को वापस बस छोड़ के आएगी। और स्मार्ट क्लास का मतलब दिल्ली बंबई भोपाल इंदौर में बैठ के मास्टर इनको वहीं से पढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बच्चों के सामने ही पढ़ा रहे हैं। तो कई बार विद्वान शिक्षकों की कमी महसूस नहीं होगी। विकास का पर्व है, विकास का महायज्ञ सुनो मध्य प्रदेश वालों, अभी 15-20 दिन के अंदर 1 महीना के अंदर 2,00,000 करोड़ रुपए के कामों का या तो शिलान्यास होगा या लोकार्पण होगा। आज जब मैं यहाँ आया तो कुक्षी वालों ने भी कुछ मांगे,
यहाँ पर रखी है। अब चूंकि चुनाव में समय कम है, लेकिन फिर भी यथासंभव मैं इन मांगों को, कुक्षी के बाईपास की मांग है, उस बाईपास की आवश्यकता है, उसको भी भविष्य में बजट में हम शिथिल करने का काम करेंगे। कुक्षी में, विधानसभा में, आदिवासी विकास खंड में TCPC प्रशिक्षण से उत्पादन केंद्र खोला जाए। हमने इसमें भी तय किया कि आदिवासी छात्र छात्राओं और बाकी छात्रों के लिए भी रोजगार मूलक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। एकलव्य आवासीय विद्यालय दही में मांगे तो दही में कन्या शिक्षा परिषद को अपग्रेड करके एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत कर दिया गया है। विकास के कामों में, बच्चों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद डैम में दही माइक्रो उद्वहन का पानी भी डाला जाएगा। आज समय की सीमा है, मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि विकास का महायज्ञ चल रहा है। सड़कें, बिजली, पानी, हाईवे, स्कूल, धार में मेडिकल कॉलेज, होम देता था या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, बताओ इतने काम कांग्रेस से कभी करे थे क्या? जोर से बताओ, करे थे क्या? वो आए तो 15 महीना में मध्य प्रदेश लूट के चले गए। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, विकास का साथ दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए, मामा का साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, विकास के साथ चलिए, ताकि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के मैं आपकी और बेहतर सेवा कर सकूं और भारत को स्वच्छ श्यामलाल बना दे। बहनों और भाइयों, पिछली बार थोड़ी दिक्कत हुई थी, पहले तो एक ही सीट लगी थी था, बाद में बत्ती गांव भी आ गए, जब आप कुछ हुई नहीं, मैंने देखा कि काम हो ही नहीं रहे विकास के, फिर इन्हें कहा कि कमलनाथ जी राम राम, हम तो मामा के साथ चले। और तब तो मरना पर तो पानी आ रहा है, नर्मदा मैया का पानी जा रहा है, लेकिन इस बार धार में सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए। बोलिए जिताएंगे, जोर से बोले जिताएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के और लाडली बहना भैया का संग देना है, लाठी भी आ रही है, दोनों हाथ उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए नर्मदा मैया की, सभी बहनों भाइयों की, लाडली बहनों की, भांजे भांजियों की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।